लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। उड़ान भरने के तुरंत बाद बड़े हादसे का शिकार हुआ विमान मेक्सिको सिटी। मेक्सिको के दुरंगो शहर में विमान दुर्घटना से बड़ा हादसा हुआ है, जिसे चलते शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन विमान में सवार कुछ लोग घायल हुए हैं। इस बात की जानकारी राज्य के गवर्नर होसे एस्पुरो ने ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि इस विमान में 97 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे, जिन्हें चोट आई है। खबरों की माने तो विमान के उड़ान भरने के तुरंत 5 मिनट बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि एयरो मेक्सिको की फ्लाइट संख्या M2431 थी, जिसने दुरंगो ग्वादालूपे विक्टोरिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजधानी मेक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरी थी। हादसे का कारण खराब मौसम का होना बताया जा रहा है। एयरपोर्ट ऑपरेटर की जांच के अनुसार शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि प्लेन क्रैश होने की वजह खराब मौसम है। कहा जा रहा है कि विमान के नीचे गिरने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। वही राज्य के गवर्नर होसे एस्पुरो ने कहा कि घायल लोगों को स्वास्थ्य संस्थानों में ले जाया गया है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि इस दुर्घटना में कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिविल डिफेंस प्रवक्ता अलेहंद्रो कार्दोसा ने बताया कि विमान के नीचे गिरने के बाद विमान में आग लग गई, हालांकि कोई आग की चपेट में नहीं आया।